हेलो गाइस, तो आप सबको मेरा सुबह का प्यार भरा नमस्कार। और अभी बज रही है सुबह के 7 और यहाँ पे अंजलि घुस गई है अंदर और बज रही है सुबह का 7। तो पहाड़ों में ठंड हो गई है शुरू और मुझे लगता है जैसे कि पहाड़ों में जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे ही इस बार बर्फबारी बहुत जल्दी होगी। और यहाँ पे पहाड़े हैं जो कि अभी इस कोहरे में दिख नहीं रहा है, तो पूरा पहाड़ बर्फ से ढका रहता है और मुझे लगता है इस बार जरूर जरूर पड़ेगी इस बार बर्फ बहुत जल्दी। और दिखाएंगे हम आपको उसकी भी वीडियो, बने रहना हमारे साथ। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे कि पहाड़ों में क्या क्या कैसे हो रहा है बर्फबारी और कितनी ठंड बढ़ी है दिखाएंगे। ये देखिए अंजलि अंजलि ने भी स्वेटर पहन रखी है और ठंड तो बढ़ गई है। और आज मौसम थोड़ा बेमान लग रहा है, जैसे आप देख रहे होंगे मेरे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिख रहा है। ये देखिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ऊपर पहाड़ों पे। मैंने भी जैकेट पहन रखा है और अंजलि ने भी स्वेटर पहन रखी है। और भाई पहाड़ों में हो गई ठंड स्टार्ट, और बाहर का तो मुझे पता नहीं है लेकिन हमारे पहाड़ में हो गई है ठंड स्टार्ट। तो हमने अब हमने निकाल हम तो निकालने बैठ गया रजाई वगैरह। और सुबह और शाम तो ठंड बहुत तगड़ी है, जैसे धूप निकल रही है तो थोड़ा ठंड कम हो जा रही है। ये देखिए दोनों बस जा रही है बद्रीनाथ, ये दोनों बस जा रही है बद्रीनाथ। तो जैसे कि गैस मैंने कहा था कि ठंड बढ़ चुकी है और अभी अक्टूबर का महीना है और मुझे खुद देखिए और चारों तरफ का मौसम देखिए, बिल्कुल आसमान में धूप है नहीं। और यहाँ पे दिखाऊँ मैं ताऊजी तो बहुत ही ढक के आ गए हैं। तो जैसे कि गाइस आप देख रहे होंगे स्कूटी वाले को, तो सबने जैकेट पहन किया या स्वेटर पहन किया। और ये है तुम्हारा नारायणगढ़ वाली रोड, प्रयाग नारायणगढ़ वाली रोड। और जो 17-18 को बारिश आई थी तो नारायणगढ़ थराली साइड बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ये देखिए पूरा इस साइड इतने नुकसान हुआ बहुत सारा। ये देखिए जगह जगह पर टूटी रखा, हर जगह पर बस टूटी रखा है। थोड़ा 2 कदम आगे जाओ बस टूट रखा है, 2 कदम आगे जाओ हर जगह पर थोड़ा टूट रखा है तो टूट रखा है। ये देखिए पूरा यहाँ पे तो रोड का काम चल रहा है लेकिन जब बारिश आई तो उस टाइम से थोड़ा अस्त व्यस्त हो गई, पूरी रोड बहुत खराब हो चुकी है। ये देखिए इतना रिस्क था इस रोड पे चलना, बिल्कुल सिंगल भाई, अगर गाड़ी आ रही है सामने से तो बिल्कुल 200 मीटर पहले ही दूर खड़ा हो जाना है कि भाई उसे पास देने के लिए। और ये हम नारायणगढ़ में है अभी, ये देखिए नारायणगढ़ का भी पूरा हाल वही है, मतलब हर जगह इतना नुकसान हो रखे। ये देखिए ये पंक्ति है जहाँ ये वज्रपात हुआ था, वो क्षेत्र है ये। तो इस क्षेत्र में बहुत सारी गाड़ियां दबी है, एक का मकाने भी टूटी हुई है, बहुत नुकसान हुआ था उन एक दो दो तीन दिन की बारिश से। कहीं कहीं पे तो ऐसी थी रोड यहाँ की। और ये हम पहुंच गए हैं थ्राली में, तो ये पूरा थ्राली मार्केट है ये पूरा, देखिए व्यू देखिए थराली का। और ये पुल में ये देखिए जाने का स्टाइल, और देखिए ये देखिए ये देखिए लोगों ने स्वेटर वगैरह वगैरह सब निकाल दिया है। ठंड ठंड इतनी हो गई है इस नवंबर अक्टूबर से, सबने स्वेटर पहन भी रखी है। और अभी दोपहर का टाइम है, दोपहर में भी अब सारे लोग स्वेटर पहन रहे हैं, कहीं कोई कोई स्वेटर पहन रहा है, दोपहर में कोई नहीं पहन रहा। जैसे कि आपने इन्हें देखिए सब स्वेटर में है और कोई कोई नहीं है स्वेटर में, ये देखिए ये सारे स्वेटर में है। जो धूप में रहते होंगे वो ज्यादातर स्वेटर में नहीं है, जो जिनका काम ठंड में का छाया में बैठ के होता होगा या रूम के अंदर बैठ के होता होगा
जैसे कंप्यूटर वगैरह, तो वो सारे स्वेटर में है, क्योंकि बिना स्वेटर के रह नहीं सकते भाई। और जिनको धूप सेकने का टाइम मिल जाता है तो वो एक टी शर्ट में भी रह सकते हैं भाई। ये पूरा थराली मार्केट है, ये देखिए एक ने स्वेटर पहन रखी है, एक ने नहीं पहन रखी है। और ये फिर सुबह का टाइम हो गया, यहाँ से हम जा रहे हैं फिर उसी साइड, थोड़ा आगे गए थे तो मैंने कहा चलो इस पुल का थोड़ा एक अलग से व्यू निकाल देता हूँ, तो इसलिए निकाला। और यहाँ पे दीपावलियों की भी तैयारी होने बैठ गई है, जैसे कि आप देख रहे होंगे थोड़ा बहुत माला मूला ये वो सामान सामान, दीपावली की तैयारी होने बैठ गई। इसके बारे में भी एक वीडियो जल्दी आने वाली है, अपने लोकल दुकानों की, गांव की दुकानों की। तो अब हम चलते हैं यहाँ से, हमारी तैयारी है देवाल जाने की, तो हम यहाँ से अब निकल रहे हैं देवाल की ओर। तो थराली से महज देवाल होगा यही 11-12 किलोमीटर आगे। तो भाई आ गया है जैकेट स्वेटर पहनने का टाइम, इस बार बहुत जल्दी, और इस बार बर्फ भी बहुत जल्दी पड़ने वाली है। देखिए सबने स्वेटर स्वेटर पहन रखी है। और ये हम पहुंच चुके हैं देवाल में, और देवाल में अभी है दोपहर का टाइम, और दोपहर में भी लगभग लगभग सभी लोगों ने स्वेटर पहन ही रखी है, क्योंकि दोपहर में धूप होती है तो नहीं पहनते उतना, फिर भी यहाँ लोगों ने पहन रखी है, क्योंकि इस बार ठंड बहुत ज़्यादा ही हो गया। देखिए पूरा ये पूरा देवाल मार्केट है। ये देखिए दोस्तों ऊपरी ऊपरी पहाड़ों में बर्फबारी हो चुकी है, और धीरे धीरे नज़दीक भी हो जाएगी। और दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।